बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआ पढ़ लीजिए तमाम स्टूडेंट्स। रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलल उक़दा तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्ब ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रुके हुए चार्जेस की प्रॉपर्टीज के मुतालिक जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी करवाती है, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। उनमें से जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो फोटोकॉपियर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और पेंट स्प्रे मशीन्स वगैरह हैं। बेटा, आज हमारा टॉपिक है फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर मीन्स फोटोकॉपी मशीन। बेटे, फोटोकॉपियर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो हमारे हार्ड डॉक्यूमेंट्स की मजीद कॉपीज, एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस कर सकती है, और इस ज़ीरोग्राफी के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हुए। व्हाट इज़ ज़ीरोग्राफी, हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं पहले फोटोकॉपियर को और उसके बाद ज़ीरोग्राफी की डेफिनेशन देखते हैं। हम यूँ कह सकते हैं, द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरोग्राफी टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज फोटोकॉपियर। या आप थोड़ा डिफरेंट वे से यूं भी कह सकते हैं, फोटोकॉपिंग मशीन आल्सो कॉल्ड फोटोकॉपियर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ टेक्स्ट आर ग्राफिक मटीरियल बाय मीन्स ऑफ लाइट, हीट, केमिकल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। बेटे, ज़ीरोग्राफी, हमारे पास ज़ीरोग्राफी का जो वर्ड है वो ग्रीक है और ये दो वर्ड से मिलके बना है, ज़ीरोस एंड ग्राफोस। ज़ीरोस का मीनिंग होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब है राइटिंग। और अगर हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन पढ़ें तो इट मीन ज़ीरोग्राफी का मतलब हो गया ड्राई राइटिंग। ज़ीरोग्राफी के अंदर बेटे हमारे पास ड्राई इंक होती है, यानी हमारे पास जिस तरह पेन्स में या बॉल पेन्स के अंदर लिक्विड इंक होती है, इसी तरह फोटोकॉपी मशीन और हमारे ये लेज़र जेट प्रिंटर्स के अंदर ड्राई पाउडर्ड चार्ड इंक होती है। वो इंक हमारी टोनर कहलाती है। उस टोनर को यूज़ करते हुए या ड्राई इंक को यूज़ करते हुए अगर राइटिंग प्रोसेस किया जाए तो इस टेक्निक का नाम ज़ीरोग्राफी होगा। मींस ड्राइंग को यूज़ करते हुए राइटिंग करना ज़ीरोग्राफी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सिर्फ इंटरेस्ट के लिए थोड़ी हिस्ट्री या डिस्कवरीज बताते चले जाएं। सबसे पहले ये नोमिनेट करना ज़रूरी होगा कि 1937 के अंदर एडी चेस्टर कार्लसन ने ज़ीरोग्राफी का प्रोसेस इन्वेंट किया। उसके बाद डिफरेंट कॉरपोरेशंस, डिफरेंट कंपनीज इस प्रोसेस पर वर्क करती रहीं और मशीन्स बनाने की कोशिश की गई। उनमें से जो सक्सेसफुल जो मशीन है वो 1949 के अंदर ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने पहली बार प्रोड्यूस की और उसका नाम उसने मॉडल ए रखा उस मशीन का नाम। फिर उसके बाद कमर्शियल साइज़ की मशीन्स बनानी शुरू कर दी, यानी बड़े पैमाने पर मशीन्स बनाई गई, फोटोकॉपी मशीन्स। और वो कब स्टार्ट हुई, 1959 में, और ये भी हमारे पास ज़ेरॉक्स कंपनी जो थी उसी ने पहले स्टार्ट की। अब तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फोटोकॉपी और लेज़र जेट की मशीन्स बना रही हैं। बेटा, प्रिंसिपल क्या है फोटोकॉपियर का? बेटे, फोटोकॉपियर, इंक जेट प्रिंटर, इन सब का एक ही प्रिंसिपल है और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम लोग फोटोकॉपियर के प्रिंसिपल को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो हम प्रिंसिपल ऑफ फोटोकॉपियर या फोटोकॉपी मशीन के प्रिंसिपल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन फोटो कंडक्टिविटी एंड नंबर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर चार्जेस रिपेल किया करेंगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही असल में बेस प्रिंसिपल है फोटोकॉपी मशीन का। आइए कुछ पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एक जो हमारे फोटोकॉपी मशीन का फिजिक्स के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्रोटोन और क्रोना वायर। क्रोटोन मशीन के अंदर एक ऐसे पार्ट का नाम है जिसका काम है पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना। या हमारे पास जो फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं, जैसे ही उनको स्विच ऑन किया जाए, उन फोटोकॉपी मशीन्स के अंदर एक हाई वोल्टेज वायर होती है जिसको कहते हैं क्रोना वायर। इस वायर की अप्रॉक्सीमेटली वोल्टेज 15,000 वोल्ट या फिर 15 केवी कहा जा सकता है।
इस कोरोना वायर या कोरोटोन का मेन पर्पस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। कहाँ पर? हमारे मशीन के एक और पार्ट ड्रम के ऊपर। इस हमारी फोटोकॉपी मशीन के अंदर बैठे सेकंड पार्ट होगा लैंप। लैंप का काम होता है लाइट लाइट को प्रोड्यूस करना। थर्ड पार्ट है हमारा लेंस, जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक इमेज बनाएगा। फोर्थ पार्ट जो कि हमारी मशीन का हार्ट भी कहलाता है, मेन पर्पस ये, मेन वर्किंग स्टेप्स सारे के सारे ड्रम के ऊपर ही बेस करते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट आएगा ड्रम ऑफ द मशीन। ड्रम बेटे एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का एक पार्ट है, और ये ड्रम बना एल्यूमिनियम का होता है, और एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इस ड्रम को कोटिंग कर दी जाती है, यानी इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है सेलेनियम की। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर मीन्स ये सेलेनियम को जब हम लाइट में रखेंगे तब ये कंडक्ट करेगा, और अंधेरे में ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेगा। सेलेनियम यानी एक फोटो कंडक्टर है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल कंडक्ट, एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट और इन डार्क डार्कनेस इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो ड्रम इटसेल्फ बना एलुमिनियम का है, और उसके ऊपर कोटिंग किसकी हो चुकी है? सेलेनियम की। इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है जो पाउडर्ड इंक की बात की जा रही थी उसको। बेटे ऐसी पाउडर्ड इंक जो ड्राई है और उस पर नेगेटिव चार्जेस हों, ऐसी इंक को कहते हैं टोनर, और वो जिस पार्ट में मशीन के अंदर मौजूद होती है उस मशीन के पार्ट को कहते हैं टोनर कार्ट्रिज। तो हम ये कह सकते हैं टोनर कार्ट्रिज के अंदर हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड इंक मौजूद होती है। और हमारा लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट जो हमारे पास ज़रूरी है फिजिक्स के एतबार से फोटोकॉपी मशीन का, वो है हीटेड प्रेशर या प्रेशराइज्ड रूलर्स। हमारी मशीन के जहाँ से पेपर निकलना होता है एंड पॉइंट पर, वहाँ पर दो रूलर्स होते हैं जो आपस में टाइटली कंप्रेस्ड होते हैं, और उनके अंदर से पेज निकलता है। इनका काम है कि जो पेज के ऊपर इंक मौजूद होगी ये उस इंक को पेज के साथ जोर से प्रेस करके स्टिक करवा दें, और हल्का सा टेम्परेचर प्रोवाइड करके उस इंक को थोड़ा मेल्ट करके मजीद पेपर के साथ बॉन्ड क्रिएट कर दें। जी बेटा, ये देख सकते हैं जिन हमने मेजर पार्ट्स की बात की थी फिजिक्स के अखबार से फोटोकॉपी मशीन के, उन्हीं पार्ट्स को यहाँ हाईलाइट किया गया है। देखिए हमारे पास किसी भी फोटोकॉपी मशीन के अंदर सबसे ऊपर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है बेटा। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट पर उस डॉक्यूमेंट को रख दिया जाता है जिसकी फोटोकॉपी आपने प्रोड्यूस करनी है। फिर जो ही आप स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, स्टार्ट का बटन प्रेस करते ही हमारा लैंप ऑन होता है, और लैंप लाइट रेज थ्रो करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट के कुछ पोर्शंस डार्क होते हैं और कुछ पोर्शंस ब्राइट होते हैं। मसलन जहाँ पर डॉक्यूमेंट पर जिन जिन जगहों पर वर्ड्स लिखे होंगे, कोई भी अल्फाबेट्स मौजूद होंगे, वो क्योंकि इंक के लिखे होंगे तो वो डार्क एरिया गिना जाएगा, ठीक है। और इस डार्क एरिया पे जब लाइट फॉल करेगी तो वो ये डार्क एरियाज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इन वर्ड्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस के अंदर कोई और इंक मौजूद नहीं होती, लिहाजा वो ब्राइट एरियाज या वाइट एरियाज कहलाएंगे। और जब उन पे लाइट रेज फॉल करेगी तो लाइट रेज वहां से वाइट एरिया से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये लेंस में इन्हीं वाइट एरिया से आने वाली लाइट कन्वर्ज होगी और डायरेक्ट फॉल कर जाएगी हमारे इस ड्रम पर। इस ड्रम पर, ये ड्रम किसका बना हुआ था? एल्यूमिनियम का। और इस पे कोटिंग किसकी थी? सेलेनियम की। सेलेनियम तब तक कंडक्ट नहीं करता जब तक इसके इसके ऊपर लाइट फॉल ना करे। मैं बताता चला जाऊं दोबारा कि इस ड्रम के साथ कोरोना वायर अटैच थी। ये इस कोरोना वायर की वजह से ड्रम पर चार्जेस आ चुके थे पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर जो ड्रम पर मौजूद सेलेनियम की लेयर है, कोटिंग की हुई है, उस कोटिंग पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अनटिल अनलेस जब तक यहाँ से वाइट एरियाज ऑफ द पेज से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके ना फॉल करें। तो जिन जिन पार्ट्स पर, ड्रम के जिस जिस हिस्से पर लाइट रेज आके फॉल करेंगी, सिर्फ उस जगह पर सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस कंडक्ट होके एलुमिनियम में चले जाएंगे, और एलुमिनियम में जाने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम में नेगेटिव चार्जेस थे अंदर और सेलेनियम के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने खुद क्रिएट किया था। तो बेटे
हमारे पास सारे टर्म पर चार्जेस खत्म नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेज पर कुछ एरियाज डार्क थे, यानी वर्ड्स लिखे हुए थे, उन डार्क एरियाज पर लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी, और जब लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी उनका शेडो यहाँ पर आ गया था। तो इसका मतलब ड्रम पर किसी की जो ऊपर वाले वर्ड्स थे उन वर्ड्स का शेडो आ गया है, और बेटे जहाँ जहाँ शेडो होगा ड्रम पर वहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी, और जहाँ जहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ सिलीनियम फोटो कंडक्टर होने के नतीजे में इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा और चार्जेस वहीं मौजूद रहेंगे, रिटेन रहेंगे। जहां लाइट फॉल करती जाएगी, यानी जो हमारे पेज के वाइट एरियाज या ब्राइट एरियाज थे वहां से लाइट फॉल करके रिफ्लेक्ट करके जो ड्रम पर पड़ेगी, उन वाइट एरियाज की वाली जगह पर जो चार्जेस थे वो यहाँ एल्यूमिनियम सेलिनियम से होते हुए एल्यूमिनियम के साथ न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे। अब हमारे ड्रम पर कहीं कहीं चार्ज मौजूद है। किस जगह पर चार्ज मौजूद है? जो हमारे वर्ड्स थे पेज के ऊपर उन्हीं वर्ड्स के शेडोज यहाँ हैं, और उन्हीं शेडोज वाली जगह पर सिर्फ चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास एक टोनर कार्ट्रिज है, ये देख सकते हैं लिखा है टोनर कार्ट्रिज, इसमें नेगेटिवली चार्ज इंक होती है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इंक इस ड्रम पर थ्रो की जाती है। अब ड्रम के हर पार्ट पर इंक नहीं स्टिक करेगी, बल्कि ड्रम के ऊपर कहीं कहीं जहाँ हमारे वर्ड्स के इमेजेस थे, कौन से वर्ड्स? जो हमारे डॉक्यूमेंट के वर्ड्स थे जिनको हमने कॉपी करना था, प्रिंट करना था, उन्हीं उन्हीं वर्ड्स की जो शेडोज थे वो इस एल्यूमिनियम ड्रम पर मौजूद हैं, या एल्यूमिनियम के कोटेड सेलिनियम से कोटेड एल्यूमिनियम ड्रम पर मौजूद हैं, और उन्हीं पॉजिटिव चार्जेस वाली जगह पर हमारा नेगेटिवली चार्ज टोनर इंक स्टिक करेगी। तो बेटे हमारी इंक सिर्फ हमारे जो वर्ड्स थे, जो शेडोज मौजूद थे वर्ड्स के, उन्हीं जगहों पर स्टिक करेगी। तो एक किस्म का जो हमारे जिस पेज को आपने कॉपी करना था, जो उसके वर्ड्स थे वही वर्ड्स यहाँ पर चार्ज की फॉर्म में रहेंगे, और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं वर्ड्स के ऊपर हमारी इंक आ जाएगी। अब जब ये ड्रम यहाँ से घूमेगा तो ये पेपर यहाँ से होता हुआ पेपर इसके साथ से टच करता गुजरेगा। बेटे पेपर पर भी तो हमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ता है इसी कोरोना वायरस से, तो पॉजिटिव चार्ज पेपर को भी दिया जाता है। अब जब ये पेपर पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद ड्रम के साथ से टच करके गुजरेगा, तो जो टोनर पार्टिकल्स या वो जो वर्ड्स हमारे एल्यूमिनियम के ऊपर थे वो सारे की सारी टोनर इंक हमारे पेज के साथ आ जाएगी। अब ये पेज के साथ जो लगी हुई टोनर इंक है वो हमारी इस वक्त मजबूत नहीं है, तो हम उसको मजबूत करने के लिए दो प्रेशराइज्ड हीटेड रूलर में से गुजारेंगे। इस रूलर्स के अंदर ये थोड़े से हीटेड हैं, तो जब ये पेज गुजरेगा जिसके ऊपर टोनर लग चुका है, वर्ड्स लग चुके हैं, अब ये टोनर का दो काम हो गए, क्योंकि ये हीट रूलर्स आपस में एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। इस प्रेस करने की वजह से जब पेज गुजरेगा तो पेज भी इनके दरम्यान कंप्रेस हो जाएगा। अब कंप्रेस होने के साथ एक तो इंक थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, यानी टोनर यहाँ थोड़ा सा स्टिक करेगा। दूसरी बात है, क्योंकि ये रूलर्स थोड़े से हीटेड हैं, इस हीटेड होने की वजह से बेटा यहाँ ये जो टोनर था, टोनर इंक को ये इस थोड़ा मेल्ट कर देंगे, और इस मेल्ट करने की वजह से ये इंक या टोनर परमानेंटली हमारे डॉक्यूमेंट पर स्टिक कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो जो वर्ड्स, जो जो लाइंस हमारे डॉक्यूमेंट पर थी वही हमारे प्रिंटेड पेज पर आ जाएंगी। ये एक ब्रीफ सी वर्किंग थी हमारे फोटोकॉपी मशीन की। हम इस वर्किंग को मजीद आगे जो अगले फिर स्लाइड्स में देखते हैं, हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी बेटा, ये देखिए, अब हम वर्किंग को जो हमने पहले बताई है उसको 5 मेजर हेडिंग्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहली हेडिंग है, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि कोरोना वायर जो कि 15 किलो वोल्टेज वाली वायर होती है, वो एलुमिनियम के बने हुए ड्रम और जिसपे कोटिंग सेलिनियम की है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर क्रिएट पॉजिटिवली चार्ज कर देती है। तो अब पहला स्टेप हो गया हमारे ड्रम का चार्जिंग का प्रोसेस। दूसरा है, दूसरा स्टेप था कि आपने जिस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है उसको हमारे फोटोकॉपी मशीन के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास मौजूद है उस शीशे के ऊपर रख देते हैं, और जैसे ही ऑन का बटन प्रेस करें तो हमारे लाइट लैंप ऑन होता है, तो लैंप से लाइट जाएगी पेज पर, और पेज के सिर्फ जो ब्राइट एरियाज हैं यानी खाली जगह हैं जहां वर्ड्स नहीं हैं उन जगहों पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी,
और वो लाइट लेंथ से होती हुई ड्रम पर फॉल कर जाएगी। तो इस तरह ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा एक्सपोजर। और जो जो वर्ड्स लिखे हुए थे हमारे पेज पे, वो वर्ड्स हमारी लाइट को, लैंप से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनका शेडो पड़ेगा ड्रम पर, यानी ड्रम के हर पार्ट पर रोशनी नहीं पड़ेगी, बल्कि ड्रम के कुछ पार्ट्स के ऊपर जहाँ जहाँ पर हमारे पेज पर वर्ड्स थे, उन वर्ड्स के निस्बत कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे ड्रम के ऊपर शेडो रहेगा, यानी चार्जेस मौजूद रहेंगे। और कहीं जहाँ जहाँ पर हमारा पेज डॉक्यूमेंट ब्राइट था या ब्लैंक था, वहाँ वो एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ड्रम पर फॉल करके चार्जेस को ख़त्म कर देगी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा एक्सपोजर का। जी बेटा, थर्ड स्टेप हमारे वर्किंग का ये था कि हमारे अब ड्रम के ऊपर हर जगह चार्ज मौजूद नहीं है, सिर्फ वो जो वर्ड्स थे जो हमारे डॉक्यूमेंट पे थे, उनके शेडो बना या उन वर्ड्स के शेडोज बने हमारे ड्रम पर, और उन शेडो वाली जगह पर चार्ज रिटेन रहा। तो और जहाँ चार्ज पॉजिटिवली रिटेन रहेगा, और टोनर को जब टोनर जो कि नेगेटिवली चार्ज इंक है, जब उसको थ्रो किया जाएगा तो टोनर सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्टिक होगा। तो हमारे पास थर्ड स्टेप है डेवलपिंग का। तो यानी हम लोगों ने टोनर को थ्रो किया किस पर? ड्रम पर। तो वो टोनर स्टिक कर गया ड्रम के साथ। चौथा ये है कि जो टोनर ड्रम के साथ स्टिक कर गया, अब इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं हम पेज पर। तो हम पेज पर ट्रांसफर करेंगे, जैसे ही पेज को पॉजिटिव चार्ज देंगे और पेज है ड्रम के साथ से स्लिप होता हुआ, यानी उसको टच करता गुजरेगा, तो जो सारे जो वर्ड्स थे ड्रम के ऊपर, वो सारे जो कि टोनर मौजूद था या वर्ड्स के जिन पे टोनर लगा हुआ था, वो सारे का सारा टोनर या वर्ड्स हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे पेज पर। और आखिरी स्टेप हमारे पास क्या था? जो हमारे पेज पर टोनर आ चुका है, वो अभी पूरा परमानेंटली स्टिक नहीं है, हम उनको प्रेशराइज्ड रूलर्स में से गुजारेंगे जो कि हीटेड भी हैं, वो इंक को या टोनर को हमारे पेज के साथ कंप्रेस कर देंगे और मेल्ट करके उसको परमानेंट स्टिक कर देंगे। इसके बाद बेटे मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें मैंने एक एनिमेटेड वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो दी गई है, उसको भी आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, उसको ज़रा गौर कीजिए, फिर आपको ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। कोई भी आपका इसके अबाउट क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, आइए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। इसमें देखते हैं कि एक फोटोकॉपी मशीन कैसे वर्क करती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया है कि हमारे पास एक फोटो कॉपी मशीन के अंदर जो नेसेसरी पार्ट्स हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे पास एक कोरोना वायर चाहिए होती है, जो कि हाई पोटेंशियल वायर है, और इसका काम है कि हमारे मशीन के अंदर जो मेजर वर्क करने वाला पार्ट ड्रम है, उसको पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड करे। इसके बाद हमें एक लैंप रिक्वायर होता है, और लैंप के साथ हमारे पास एक कन्वीनर बेल्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर पेज मूव कर सके। साथ लेंस रिक्वायर है इमेज क्रिएट करने के लिए, हमारे जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसका हमारे ड्रम पर, और हमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड इंक जिसे हम टोनर कहते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट आइए इस वीडियो के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ कि अब हमारे और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सपोज़ हमारे पास जिस डॉक्यूमेंट को हमने कॉपी करना है, वो उस पेज के ऊपर एक्स लिखा हुआ है, तो इट मीन्स पूरे होल शीट के ऊपर जस्ट एक वर्ड मौजूद है एक्स। तो इस पेपर को हमने जब कॉपी करना होता है, तो हम अपनी फोटोकॉपी मशीन के ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जैसा कि आपको ये अभी नज़र आ रहा है कि इस वक्त फोटोकॉपी मशीन के टॉप पर वाइट पेज रख दिया गया है जिस पेज को हमने कॉपी करना था। अब जो ही हम लोग स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे मशीन के अंदर मौजूद जो लैंप है, इससे ये देख सकते हैं कि वाइट लाइट रेज अमिट होंगी, और ये लाइट रेज हमारे पे डॉक्यूमेंट जिसको कॉपी करना है उस पर फॉल करेंगी, और इस फॉल करने से हमारे डॉक्यूमेंट के कुछ एरिया से ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और कुछ में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और जहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डॉक्यूमेंट से, लेंस से और मिरर्स में से होती हुई नीचे जो मौजूद ड्रम है उस पर फॉल करेंगी। तो ये जो ड्रम है, ये खुद तो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लेयर कौन सी है? सेलिनियम की। आइए अब ड्रम के मतलब थोड़ी दोबारा बात करते हैं।
लीजिए सपोज करें हमने मेरे पास ये जो ड्रम है, ड्रम यहाँ नेवी ब्लू कलर का बड़ा सारा दिखाया गया है और इसके ऊपर एक लाइट ब्लू कलर का सर्कल नज़र आ रहा है। ये लाइट ब्लू कलर का जो सर्कल है ये सेलेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर सेलेनियम की लेयर मौजूद है। सेलेनियम एक फोटोकंडक्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डार्क में यानी अंधेरे के अंदर ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है और जब रोशनी में ये रखा जाए तो ये कंडक्टर्स बन की तरह वर्क करता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस को अपने अंदर से कंडक्ट होने देता है। तो हमारे पास हम सबसे पहले ड्रम के साथ अटैच करते हैं कोरोना वायर जो कि हाई पोटेंशियल वायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 kV यानी 15,000 वोल्टेज वाली वायर हमारे इस ड्रम के साथ अटैच होती है, जिससे पॉजिटिव चार्जेस हमारे ड्रम के ऊपर जो सेलेनियम लेयर है उसके ऊपर आके प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक हमारा ड्रम मौजूद है अंधेरे में, इस वजह से ये चार्जेस इस सेलेनियम के ऊपर ही रहेंगे और यहाँ से कंडक्ट होके अंदर एल्यूमिनियम में नहीं जाएंगे। अब ये सेलेनियम की लेयर के ऊपर देखें रिजाइड कर रहे हैं हमारे पॉजिटिव चार्जेस। हमारे ये से क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है सेलेनियम डार्कनेस में और जब लाइट पड़ती है इस पर तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। आइए अब दोबारा डॉक्यूमेंट पे देखते हैं। हमारा जो पेज था जिसे हमने कॉपी करना था, जब उस पर लाइट फॉल करती है तो हमारे पेज के दो हिस्से हो जाते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, हमारे पेज पर जो एक्स लिखा गया है वो हमारा ब्लैक एरिया है यानी डार्क एरिया। तो हमारे पेज पर जो डार्क एरियाज होते हैं जब बेटे उन पर लाइट फॉल करती है तो लाइट ऑलमोस्ट वहां अब्सॉर्ब हो जाती है और ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है। जबकि हमारे इस वर्ड एक्स के अलावा हमारे पेज पर जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो सारे का सारा ब्राइट एरियाज या वाइट एरिया है और वाइट एरिया पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे लेंस और लेंस से होती हुई ड्रम पर फॉल करती है। अब ये देखिए हमारे पास प्रोसेस को समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि हमारा पेज लिया गया जिसको हमने कॉपी करना था, उस पर जस्ट एक्स मेंशन है, एक्स के अलावा बाकी पे सारा पेज जो है वो ब्राइट है। तो हम जब जैसे ही लाइट थ्रो करेंगे, लाइट थ्रो कर लैंप से लाइट थ्रो होगी हमारे डॉक्यूमेंट पर और डॉक्यूमेंट के जब एक्स वाले पोर्शन पर यानी डार्क एरिया पे फॉल करेगी तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी और जहाँ से लाइट एब्जॉर्ब होगी यहाँ यही शेडो हमारे ड्रम पर रह जाएगा। जबकि हमारे एक्स के अलावा हमारे पेज की जो बाउंड्रीज हैं और इर्द गिर्द सारा वाइट एरिया है वहाँ से लाइट रेज जो फॉल करेंगी वो लाइट रेज सारी रिफ्लेक्ट होंगी इस डॉक्यूमेंट से और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ड्रम पर पहुँच जाएंगी। मीन्स हमारे ये जो सेलेनियम लेयर है इस पर डॉक्यूमेंट के सारे इर्द गिर्द के पोर्शन से लाइट रेज फॉल कर जाएंगी, सिर्फ एक्स वाला जो वर्ड है वहाँ से लाइट रेज नहीं आ रही। मीन्स एक्स का शेडो मौजूद रहेगा ड्रम पर और बेटे जहाँ शेडो रहेगा यानी डार्क रीजन रहेगी वहाँ पर सेलेनियम कंडक्ट नहीं करेगा और जहाँ पर लाइट फॉल करेगी वहाँ से सेलेनियम इन पॉजिटिव चार्जेस को कंडक्ट कर देगा और ये पॉजिटिव चार्जेस एल्यूमिनियम में जाके जो कि एक एक्सीलेंट मेटल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे उनके साथ मिलके ये वैनिश हो जाएंगे। तो सवाए हमारे ड्रम पर जो हमारे डॉक्यूमेंट पर एक्स लिखा हुआ है, सिर्फ उसके शेडो की वजह से हमारे ड्रम पर जस्ट एक्स की शेप के चार्जेस का फॉर्मेट रह जाएगा। तो रिजाइड करेंगे सिर्फ ये चार्जेस जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के वर्ड्स की शेप के होंगे। अब जो ही हमने ये एक्स का इमेज बना दिया है अपने ड्रम पर, अब ये ड्रम मूव करेगा और तो ड्रम के ऊपर यानी इस चार्ज ड्रम के ऊपर जहाँ कहीं कहीं चार्जेस मौजूद हैं और वो हमारे वर्ड्स का शेडो की वजह से हैं, तो अब हम इस पर टोनर थ्रो करेंगे। टोनर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इंक होती है और जब ये नेगेटिव चार्ज इंक थ्रो की जाएगी तो बेटे ये जस्ट आपको पता है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के साथ स्टिक हो जाएगी। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स ये स्टिक कर रह जाएगी। मीन्स हमारे पास जो एक्स का शेडो था, एक्स जो वर्ड है हमारा उसका जो शेडो था, उस शेडो की वजह से सेलेनियम पर जस्ट एक्स की शेप में चार्जेस मौजूद थे और सिर्फ उस शेप में या उन्हीं चार्जेस के ऊपर हमारी इंक रह जाएगी। अब अगला स्टेप ये है कन्वीनियर बेल्ट पर ये निचले साइड से हम पेज को मूव करवाएंगे और पेज के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज को हम क्रिएट करेंगे। ये पेज हमारे ड्रम के साथ से जैसे मूव करेगा, ड्रम के साथ टच करता हुआ गुजरेगा
तो जो ड्रम के ऊपर लेस पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर्ड विद द पेज, तो हमारे टोनर जो है वो सारे का सारा ट्रांसफर हो जाएगा हमारे ड्रम से हमारे पेज की तरफ। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये पेज को पॉजिटिव चार्ज दिया गया और इसकी वजह से हमारे नेगेटिव चार्जेस जो हमारे टोनर के वो यानी टोनर कार्ट्रिज से होते हुए चार्जेस या इंक हमारे पेज पे ट्रांसफर हो गई। लेकिन अभी जो पेज पे ट्रांसफर हुई है हमारी इंक, ये अभी परमानेंट इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर सकती। मीन्स अभी इनके दर पेज और टोनर के दरमियान जस्ट कूलम फोर्स है जो कि एक वीक फोर्स होती है, उस वीक फोर्स की वजह से सिर्फ टोनर इंक जो कि ड्राई इंक है वो जस्ट स्टिक की हुई है हमारे पेज के साथ, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। अब इस पेज को हम लोग दो प्रेशराइज्ड हीटेड रूलर में से गुजारेंगे, और जब हीटेड रूलर में से गुजारें तो इन रूलर्स का काम ये है कि क्योंकि ये दो रूलर्स आपस में कंप्रेस्ड होते हैं, आपस में प्रेस हुए टच हुए हुए तो इनके दरमियान से जब पेज गुजरेगा एक तो ये पेज को कंप्रेस करेंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर मौजूद जो टोनर है वो टोनर एक परमानेंटली चिपक जाएगा हमारे स्टिक हो जाएगा पेज के साथ। दूसरी बात है क्योंकि ये थोड़े से हीटेड होते हैं इस वजह से हमारे टोनर मेल्ट होगा और मेल्ट होकर परमानेंट इम्प्रेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो हमारे पास जो ड्रम पर इमेज बना था वो एक्स था, वही वही उसी एक्स के ऊपर ही हमारे पास हमारे टोनर एक्स की शेप के अंदर ही स्टिक हुआ है टोनर पार्टिकल्स, और वही पार्टिकल्स एज इट इज़ हमारे पेज पर आ गए थे एक्स की शेप में ही, और इस तरह हमारे पेज पर इमेज क्रिएट हो गया जो कि हमने बनाना था। हमारे पेज जिस डॉक्यूमेंट को हमने कॉपी करना था उसके ऊपर भी एक्स था, और जो डॉक्यूमेंट हमने कॉपी कर लिया उसके ऊपर भी एक्स हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये होल प्रोसेस कॉन्टिन्यू हो जाता है। एनी क्वेश्चंस बच्चों?